तो दोस्तों आपका एक और वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा 10,000 के नीचे प्राइस में मिलने वाले कुछ सबसे बढ़िया और तगड़े स्मार्टफोन। अगर आपने दोस्तों गेमिंग करनी है, कैमरा अच्छा चाहिए, कैमरे के लिए बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, बैटरी अच्छी मिलनी चाहिए, रैम हमें 6GB, 8GB और 128GB वाला वेरियंट मिलना चाहिए, और साथ में गाइस मेन ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम अच्छी खासी भाई गेम कर पाए, मतलब ऑलराउंडर यूज़ करने के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन हो, जो कि हमें 10,000 के नीचे प्राइस में अभी मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको 5 स्मार्टफोन बताऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहली बार है तो गाइस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं नोवो 5 फोन की। मतलब ये फोन आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, बट इस फोन के बीच में इतने बढ़िया फीचर मिलते हैं ना, इसका अंतत स्कोर 2.5 लाख तक जाता है। जिन लोगों ने गेमिंग करनी है तो अंतत स्कोर भी इसका बहुत वेल है, बट ये लो बजट में है इसीलिए इतना अंतत स्कोर भी बहुत मैटर करता है। ये फोन आता है दोस्तों 6GB RAM 128GB वेरियंट के साथ। यहाँ पर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है और साथ में आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है। पंच होल की डिस्प्ले के साथ एक बढ़िया आपको डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, मतलब इसके बीच में कलर्स वगैरह भी आपको नेक्स्ट लेवल मिलते हैं। यहाँ पर बात आती है फोन के बीच में स्टोरेज के साथ आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप 5GB इंटरनल स्टोरेज से लेकर इसको 11GB रैम वाला भी फोन बना सकते हो। 5000mAh की बैटरी है, 18W की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट है। फोन का डिजाइन अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो फोन के बीच में यहाँ पर बैक की साइड के बीच में आपको 13MP का कैमरा दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया 1080 वीडियो आपकी बनाकर देगा। कैमरे के लिए भी बढ़िया फोन है और ये फोन आपको मिल जाएगा 7,949 रुपीज का। मतलब दोस्तों यार 8,000 रुपीज के बीच में इतने बढ़िया एक्सपेंडेबल स्टोरेज वाला, बैटरी वाला, रैम वाला इतना बढ़िया फोन मिल रहा है, तो आप इस फोन को जरूर चेकआउट कीजिए। और दोस्तों नंबर 4 पे हमारा जो फोन आता है ना, ये है पोको C51। वैसे भी दोस्तों पोको के स्मार्टफोन बहुत अच्छी फीचर्स के साथ भाई फोन लॉन्च हुए हैं। अभी तक जितने फोन आया पोको के फोन हमें अच्छे मिले हैं। पोको X3 Pro कितना बढ़िया फोन था, 15,000-16,000 में मिल रहा था, बट इतना बढ़िया फोन था, बट ये फोन उससे भी नीचे प्राइस में, बट फीचर अच्छे हैं। यहाँ पर 6.52 इंचेस की HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 120Hz की रिफ्रेश रेट है, 400 nits के साथ ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर 8MP दोस्तों AI ड्यूल प्राइमरी कैमरास मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको सारे मोड्स के फीचर मिलते हैं, इसमें वीडियो पोर्ट्रेट वगैरह हो गए, सारे शूटिंग मोड, शॉर्ट वीडियो। इसमें रैम 6GB मिलती है, 128GB वाला ये वेरिएंट है। अगर आप इसको वर्चुअल रैम के साथ दोस्तों करना चाहते हो, मतलब 5GB और एक्स्ट्रा इसके साथ ऐड करके 11GB रैम वाला भी बना सकते हो, और ये फोन मिल जाएगा 5,999 का, 6,000 रुपए इसके पीछे बहुत अच्छी डील है, तो आप इसको चेकआउट जरूर कीजिए। और नंबर 3 पे हमारा जो फोन आता है ना, ये है पोको C55। बट यार पोको के स्मार्टफोन तो वैसे भी अच्छे होते ही यार, आप लोग ये भी कहते हो कि यार पोको का एक फोन तो आपने बता दिया, और कोई भी पोको का फोन बता दे तो अच्छा होना था ना, तो इसलिए मैंने पोको का C55 मैंने ऐड कर लिया। तो दोस्तों ये फोन आता है 6GB RAM 128GB वेरियंट के साथ। इसमें डिस्प्ले भी बढ़िया प्रोवाइड की गई है, 6.71 इंचेस के साथ HD+ डिस्प्ले, लार्ज डिस्प्ले मिलती है, 120Hz रिफ्रेश रेट, मतलब रिफ्रेश रेट ज्यादा ही भाई प्रोवाइड की गई है। जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होती है उतना ही फोन हमारा भाई स्मूथ चलता है। यहाँ पर 50MP का AI ड्यूल प्राइमरी कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं। इसके साथ आपको दोस्तों HDR वगैरह जितने भी मोड्स होते हैं सारे मोड्स मिलते हैं। एक एक गिनाने लग जाऊंगा तो वीडियो भाई लंबी हो जाएगी। तो गेमिंग के लिए प्रोसेसर MediaTek Dimensity G85 का प्रोवाइड किया गया है। भाई गेमिंग के लिए भी फोन में अच्छा फीचर है, मतलब यार प्रोसेसर आपको G99 का मिल जाता तो और बढ़िया हो रहा था, बट यार इस बजट सेगमेंट के बीच में ये आपको बढ़िया प्रोसेसर मिल रहा है। अगर आप इस फोन को परचेस करना चाहते हो 6,499 रुपीज का परचेस कर, तो 6,500 रुपीज में तो भाई बहुत अच्छी डील है, 6,500 रुपए के बीच में भाई बढ़िया डील है, तो आप इसको चेकआउट जरूर कीजिए। तो गाइज यार आप लोगों को पता होगा कि यार दूसरे नंबर के फोन की तो बात हम करेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, यार दूसरे नंबर पे हमारा फोन आता है इंटेल A70। मतलब यार इस फोन के बारे में मैं इतना कुछ खास बताऊं या ना भी बताऊं, बट ये बात मेरे दिमाग में आ रही है कि यार ये फोन का जिस टाइप का डिजाइन बनाया गया है ना, उस हिसाब से भाई फीचर इसमें सोचकर लग नहीं रहा कि यार इतने ज्यादा फीचर मिल रहे हैं इस प्राइस के बीच में, बट यार सोचकर दिमाग घूम जाता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों 12GB की रैम मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, यार 12GB की रैम वाला कमाल होगी। यहाँ पर दोस्तों 13MP का एक ड्यूल रियर कैमरा मिलता है, 8MP का फ्रंट का कैमरा दिया गया, 5000mAh की बैटरी दी गई है, सी टाइप फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, डायनामिक बार भी आपको मिलता है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है। तो भाई साहब इसके बीच में कैप पहले आप इसका डिजाइन तो चेक करो यार, कितना खतरनाक डिजाइन है, बट ये फोन गाइस ओनली मिल रहा है, हम ये मिल रहा है गाइस 6,799 का। भाई मतलब 6,800 रुपीज के बीच में गाइस बहुत अच्छी डील है यार, 6,800 रुपीज में हमें ये फोन मिल रहा है, तो आप इसको चेकआउट जरूर कीजिए, तो आपको ये फोन बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा, चलाकर देखना, अगर नहीं अच्छा लगा तो रिप्लेसमेंट कर देना। और दोस्तों नंबर 1 पे फोन आता है हमारा टेक्नो स्पार्क 10C फोन। भाई साहब नंबर 1 पे इस फोन को लाने के लिए मैंने सोचा कि यार
ये फोन में एक्चुअली में ऐसा खास क्या है, क्योंकि दोस्तों यार ये फोन फीचर और स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और इस बजट सेगमेंट के बीच में ये सबसे ज्यादा अच्छा फोन लगा मुझे, और इसीलिए मैंने इसको नंबर वन पे रखा। वैसे आप लोग अपनी राय भी जरूर देना इस फोन के बारे में जानने के बाद। और यहाँ पर फोन का पहले डिजाइन चेक करो, मैट फिनिश के साथ फोन आता है। बैक की साइड के बीच में भाई दो कैमरे मिलते हैं, साथ में एलईडी फ्लैश मिलते हैं, साथ में सेंसर्स मिलते हैं, और इसमें 6.6 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। भाई इसमें डो डिस्प्ले मिलती है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। और इस फोन का डिजाइन भी चेक करोगे तो भाई देखो बैक के बीच में आपको दो कैमरे मिलते हैं, साथ में एलईडी फ्लैश मिलती है, और फ्रंट के बीच में देखोगे तो भाई डो डिस्प्ले मिलती है। इतनी बढ़िया डिस्प्ले है और मैट फिनिशिंग के साथ ये फोन आता है। यहाँ पर प्रोवाइड किया गया ऑक्टा कोर का बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर, जिसमें गेमिंग अगर आप अच्छी कर पाओगे, और अल्ट्रा फास्ट साइड का फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया गया है। 5000 mAh की बैटरी है, मतलब 26 दिन तक भाई अगर आप इस फोन को गाइस यूज नहीं करोगे ना, बस चार्ज करके रख दोगे, 26 दिन तक भाई ये फोन निकालेगा। मतलब ये कंपनी भाई क्लेम करती है कि 26 दिन तक आप अगर फोन को यूज नहीं करोगे तो 26 दिन आपका फोन भाई 100% के बीच में चार्जिंग तो कम होगी, लेकिन 26 दिन तक आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है ना, यहाँ पर आपको 10 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। फास्ट चार्जिंग नहीं, मतलब ओनली 10 वाट का चार्जर मिलता है, चार्जर तो नहीं है बट फिर भी ठीक है यार। यहाँ पर 8GB की रैम मिलती है, 128GB वाला वेरिएंट है। इस फोन को अगर आप दोस्तों विर्चुअल रैम के साथ दोस्तों करके देखोगे तो यहाँ पर आप 16GB रैम तक इसको बना सकते हो। बट इसमें बढ़िया बात तो यही है कि भाई फोन का डिजाइन वाइज होगा, फीचर वाइज हो गया, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। और इसके बीच में 16MP का जो कैमरा मिलता है उससे हम 1080 वीडियो बना सकते हैं। ये सारे फीचर वगैरह बढ़िया हमें प्रोवाइड किए गए हैं ये दोस्तों टेक्नो के स्मार्टफोन में। मतलब ये फोन आपको मिल रहा है अभी 7799 का, तो गाइस मतलब ये आपको 7800 के बीच में फोन मिल रहा है, तो बढ़िया डील है, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो ये 5 के 5 फोन के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब यार अब ना मैं आपके लिए अलग अलग स्मार्टफोन की वीडियो लेकर आऊंगा, और आज की वीडियो में जो मैंने आपको 5 स्मार्टफोन बताए यार, ये 5 स्मार्टफोन के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग अपनी राय जरूर देना, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि यार एक्चुअली के बीच में लोगों के नीड्स क्या है, कि गेमिंग के लिए चाहिए या फिर आपको कैमरास के लिए चाहिए, हर किसी की अलग अलग नीड होती है। तो ऑलराउंडर यूज करने के लिए अभी मैंने आपको स्मार्टफोन सेलेक्ट करके बताए हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।